प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सो फर्स्ट यहां पे है कैरेक्टर। कैरेक्टर जो है एक सिंगल बाइट होता है, अ सिंगल बाइट। ठीक है, सिंगल बाइट मीन्स वन बाइट में कितने बिट होते हैं आपको पता होना चाहिए। वन बाइट में टोटल 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, 8 बिट्स मतलब कि टोटल 8 सेल। ठीक है, 8 सेल में आप 8 नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, ये सिंगल बाइट का मतलब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी डेटा टाइप की साइज है वो मशीन डिपेंडेंट होती है। तो हम ये नहीं लिख सकते कि पर्टिकुलर इंटीजर की साइज जो है 2 बाइट्स है, कैरेक्टर की साइज 1 बाइट है, ये सारी चीजें मशीन डिपेंडेंट है। बट मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको मिले जो है पढ़ने को मिलेगा कि कैरेक्टर की साइज सिंगल बाइट होती है, इंटीजर की साइज 2 बाइट होती है, इंटीजर की साइज 4 बाइट होती है, बट दैट इज नॉट करेक्ट। ओके, ये डिपेंड करता है कि कंप्यूटर डिजाइनर क्या चाहता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम कंप्यूटर को कैसे डिजाइन करते हैं, कंप्यूटर कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके बारे में स्टडी किया। तो वहाँ पे कंप्यूटर डिजाइनर तय करता है कि पर्टिकुलर उसके मशीन में कितनी साइज वो एलोकेट कर सकता है सब चीज। बट फिर भी मैं यहाँ पे जनरल नोटेशन ले रहा हूँ कि कैरेक्टर जो है मोस्ट ऑफ द मशीन्स में जो है सिंगल बाइट उसकी साइज होती है, और सिंगल बाइट का मतलब 8 बिट्स। अगर 8 बिट्स आपके पास नंबर है, 8 बिट्स की रेंज है, तो इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए। इसकी रेंज जो है वो 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, और कितने तक जाएगी इसकी रेंज, 0 to 255। वाई 255, यहाँ पे देखिए नंबर सिस्टम का खेला क्या, सीधी सी बात है। अगर आपने नंबर सिस्टम से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों 255 रेंज है। 0 से स्टार्ट करते हैं और टोटल हमारे पास कितने सेल्स हैं, 8 सेल्स हैं। ठीक है, तो 8 सेल का के लिए जो है टोटल पॉसिबिलिटीज हो जाएगी 2^8 - 1। तो 2^8 - 1 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 256 - 1 होता है, विच इज नथिंग बट 255। दोबारा समझे, इसीलिए 0 से लेकर 255 इसकी रेंज होती है। नाउ इंटीजर। इंटीजर का मतलब पूरा नाम जो है इसका इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है इसकी साइज मेंशन नहीं करूँगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 बाइट साइज होती है, बट मैंने पहले ही बताया कि मशीन डिपेंडेंट है ये। ठीक है, सेकेंड इज फ्लोट, थर्ड इज फ्लोट। तो फ्लोट है जो है ना वो सिंगल प्रेसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को डिनोट करता है। सिंगल प्रेसिशन फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट जो है नंबर्स होते हैं जो डेसिमल नंबर होते हैं, जिनकी संख्या जिसके नंबर में दशमलव आता है, उसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं नंबर सिस्टम में। एक होता है सिंगल प्रेसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, एक होता है डबल प्रेसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सिंगल प्रेसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है उसके लिए हम फ्लोट डेटा टाइप यूज करते हैं, और इसके लिए एटलीस्ट आपको 32 बिट्स मेमोरी की जो है साइज चाहिए। एटलीस्ट 32 बिट्स मीन्स किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर कराने के लिए कम से कम आपको 32 बिट की साइज चाहिए। ठीक है, फ्लोट के साथ एक और होता है डेटा टाइप जिसको बोलते हैं डबल। डबल प्रिमिटिव हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन डबल की जो साइज होती है वो 64 बिट होती है, और इसको बोलते हैं डबल प्रेसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। डबल प्रेसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आपको फ्लोटिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। एंड लास्ट इज वॉइड। वॉइड का मतलब आपको पता है कि हम इसको रिटर्न टाइप के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, नल मींस इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। ठीक है, और इस वॉइड का यूज कहां करते हैं, जब से फंक्शन का कॉन्सेप्ट आया सी लैंग्वेज में तब से जो है void को भी हमने यूज करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो void फंक्शन के टाइम से स्टार्ट हो रहा है, यूज किया जा रहा है। ठीक है, और void का मतलब होता है इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, नल वैल्यू। ओके, सो अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को देखते हैं कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कैसे वर्क करते हैं। ओके, और वन बाय वन जो हम क्या करेंगे, हर एक डेटा टाइप के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे, एक प्रोग्राम एनालाइज करेंगे।